जी हाँ, तो वो समय आ चुका है। तो चलिए जान लेते हैं आखिर वो कौन सा समय जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुखिंद्रे टेक्निकल शो। इस वीडियो में क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में URL इंस्पेक्शन टूल को लेकर के, और ये टूल वापस आ चुका है। तो काफ़ी अमेजिंग न्यूज, आप इसे समझ लीजिए, काफ़ी अमेजिंग दिन है आज का। और आज से आप हर एक पोस्ट का जो URL है, यानी कि आप अपनी हर एक पोस्ट को मैनुअली इंडेक्सिंग करवा पाएंगे। हालांकि इसके पहले भी जो है तो वहाँ पे इंडेक्सिंग होती थी, लेकिन वहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक होता था। तो फिलहाल आज जो है गूगल सर्च कंसोल में URL इंस्पेक्शन अब वापस आ चुका है। सिंपल, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने साइट पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी एक यहाँ पे लिंक कॉपी करूँगा, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इंटर मारूँगा। इसके बाद अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वाव अमेजिंग रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहले इस तरह हुआ करता था, लेकिन अब ये इस तरह हो गया है, मतलब ये वापस आ चुका है। और अब आप आर्टिकल लिखिए और मैन्युअली आप उसे इंडेक्सिंग करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे ख्याल से ये न्यूज़ आपको सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और इसको हम यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन पे क्लिक करते हैं। तो अभी अरे यार, ये पता नहीं विंडोज 7 में क्या हो रहा है इस समय। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग बटन पे हमने क्लिक कर दिया है, तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ओके, आप सभी जानते हैं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मतलब एकदम सही जानकारी होती है, मैं कुछ भी गलत जानकारी नहीं देता। और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड हो चुका है, हमारा जो URL है ये हो चुका है, देख लीजिए। ठीक है, और यदि मैं इस URL को आऊँ, और सबसे URL तो मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे मैं आता हूँ और इस पे जो है तो गूगल में इसको टाइप करता हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। और ये URL मैंने टाइप किया और मैंने इंटर मारा, और अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आ चुका। ठीक है, हालांकि पहले भी होता था, जब ये टूल हाइड था कुछ दिनों के लिए, मतलब इस ये टूल जो है तो यूज़ करने के लिए कुछ दिनों के लिए इसको बंद कर दिया गया था, पहले भी पोस्ट को मतलब इंडेक्स किया जाता था, लेकिन वहाँ पे क्या होता था, सब कुछ ऑटोमेटिक होता था, वो आपके हाथ में नहीं था। ठीक है, लेकिन अब आप मैनुअली तरीके से आप कर सकते हैं, और ये URL इंस्पेक्शन का जो टूल है ये वापस आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।